नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तेल के बारे में जिसको इस्तेमाल करके आपकी बॉडी की जितनी भी तरीके का दर्द हो वो जड़ से आपको ठीक हो सकता है। तो बने रहे इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक, तब इसके बारे में आपको जानकारी आपको मिल पाएगी। दोस्तों, जब लोगों को उम्र बढ़ना शुरू हो जाता है तो उनमें कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। इसमें सबसे प्रमुख कारण होता है आपकी हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना। ये दर्द कभी कभी तो इतना बढ़ जाता है कि लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। तो आप भी परेशान हैं इस तरीके के दर्द से, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, देखा गया है कि जो दर्द है वो किसी को भी हो सकता है। कई बार आप गिर जाते हैं या किसी भी वजह से आपको चोट वगैरह लग जाता है तो उस समय भी ये दर्द होने लगता है। तो आपने कई तरह के अगर ट्यूब कोई सा भी मलहम या कई तरह की मेडिसिन खा के अगर थक चुके हैं, अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लिए बहुत ही एक बेस्ट मेडिसिन आती है आयुर्वेदिक में, उसका नाम है महानारायण तेल। वैसे तो कई कंपनियाँ बनाती है, डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, लेकिन ये बैद्यनाथ की जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जिससे आपके पुराने पुराने जो भी दर्द है, यहाँ तक कि आपके अर्थराइटिस जो कि बाद रोग उसको कहते हैं, गठिया रोग करते हैं, जो कि किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता, अगर इस तेल का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जितने भी दर्द है जोड़ों में, घुटने में, उसमें आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। कई बार लोग देखा गया है लोगों को कि ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने से लोगों के कान में जो है दिक्कत आनी शुरू होती है, सुनने में समस्या होने लगती है, दर्द वगैरह होने लगता है। अगर आपको भी सब तरह की समस्याएं हैं तो ये महानारायण तेल का इस्तेमाल जो है आप यहाँ पे हल्की हल्की तरह से मालिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो तरह के जो सुनने की समस्याएं हो या कान में दर्द की समस्याएं हो, इससे आपको काफ़ी निजात मिल सकती है। यानी मतलब ये तेल एक है और इसके फ़ायदे अनेक हैं। दोस्तों, इसका नुकसान की बात करूँ तो आपको इसको किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब इसे यूज़ करने की बात करते हैं तो आप इसे दिन में दो बार जो है हल्के हल्के हाथों से इसे मालिश कर सकते हैं। जो भी आपका प्रभावित स्थान हो, घुटने हो गया, जोड़ हो गया, यानी अपनी मांसपेशियों में भी दर्द हो, तो आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।